हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th यूनिट 8 श्रीनिवास रामानुजन। एक्टिविटी 6, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर डिफरेंट सेंटेंस नहीं, उसे स्टडी करना है। नोट दैट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग have his plus the third form means the past participle of the verb। क्या कहा है, नोट करना है कि यहाँ पे जो सेंटेंस नहीं है कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और उसे फॉर्म करने के लिए किसका यूज हुआ है, have his plus थर्ड फॉर्म किसका है, वर्ब का। ठीक है बच्चों, ये हैव हैज है वो आप कहाँ पे यूज करोगे, ही शी इट और सिंगुलर दिया है तो आएगा हैज, और अदर्स और प्लूरल दिया है तो वहां पे आएगा हैव। फॉर एग्जांपल आई दिया है वो सिंगुलर है पर उसमें क्या आएगा, हैव आएगा। फॉर ही शी इट है तो वहाँ पे सिंगुलर है तो वहाँ पे आएगा हैज। चलो देखते हैं, नंबर वन, आई हैव रिटन अ पोएम। देखो आई दिया है तो क्या यूज हुआ है, हैव, आई के साथ क्या आएगा, हैव। राइट का क्या हो गया थर्ड फॉर्म, रिटन अ पोएम। फिर नेक्स्ट है नंबर टू, वी यानी कि हम सब हो जाएगा प्लूरल, वहाँ पे आएगा हैव। वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। फिर नेक्स्ट है थ्री नंबर पे, ही हैज बॉट अ ब्यूटीफुल वास। क्या दिया है, ही, वो सिंगुलर है तो वहाँ पे आएगा हैज, और बाई का क्या हो जाएगा, बॉट। फिर लास्ट में नंबर फोर, दैट टॉल गर्ल, वो टॉल गर्ल यानी कि सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज गोन टू कैनेडा, वो क्या क्या आ जाएगा, गोन। यहाँ पे देखो ये गोन, ये बॉट, सॉरी ये बॉट, लॉस्ट और रिटर्न, ये सारे कैसे फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब के। नेक्स्ट, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उसे कंप्लीट करना है, कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है, और ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं उसका यूज करना है वो वर्ब का। चलो देखते हैं, नंबर वन, आई ब्लैंक एट और डजन ऑरेंजेस। इसका क्या हो जाएगा, इटन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और आई दिया है तो क्या आएगा, हैव, तो यहाँ पे आएगा हैव इटन। फिर नेक्स्ट नंबर टू, द प्लम्बर ब्लैंक रिपेयर द टेप्स। प्लम्बर है तो क्या आएगा, वो सिंगुलर है, यहाँ पे आएगा हैज, द प्लम्बर हैज रिपेयर का क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड, तो यहाँ पे ब्लैंक में आंसर आएगा हैज रिपेयर्ड। नेक्स्ट नंबर थ्री, द कोबलर ब्लैंक मेड माई शूज। कोबलर है वो भी क्या है, सिंगुलर है तो कोबलर है तो क्या आएगा, हैव आएगा कि हैज आएगा, और मेड का क्या हो जाएगा, मैंडेट, तो ब्लैंक में आएगा हैज मैंडेट। नेक्स्ट नंबर फोर, माई फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है तो ये प्लूरल हो गया है तो यहाँ पे आएगा हैव या हैज क्या आएगा बच्चों, हैव, ब्लैंक ब्रैकेट में दिया है कलेक्ट ऑल द ड्राई लीव्स, तो कलेक्ट का क्या हो जाएगा, कलेक्टेड, तो माई फ्रेंड्स हैव कलेक्टेड ऑल द ड्राई लीव्स। नेक्स्ट नंबर फाइव, दे ब्लैंक पुट देम इन अ हिप, द गार्डनर विल टेक देम अवे। यहाँ पे दे दिया है तो ये कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पे आएगा हैव,
और पुट का थर्ड फॉर्म है पुट, तो यहाँ पे हैव पुट। लास्ट नेक्स्ट नंबर है सिक्स, माय फ्रेंड ब्लैंक बाय अ गैस बलून। देखो यहाँ पे सिर्फ एक दोस्त की बात की, फ्रेंड। यहाँ पे देखो फोर्थ ब्लैंक है उसमें फ्रेंड्स दिया था तो वो प्लूरल था, यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड की बात की तो वो हो जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ पे हम सिंगुलर तो किसका यूज़ करेंगे, हैव या हैज़, और बाय का क्या हो जाएगा बोट, तो ब्लैंक पे आंसर आएगा हैज़ बोट। बच्चों यहाँ पे क्या याद रखना है, हैव और हैज़ का यूज़ करना है और उसके साथ, सॉरी, हैव और हैज़ का यूज़ करना है और उसके साथ थर्ड फॉर्म किसका, वर्ब का। ठीक है, थैंक यू।